हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स का मतलब क्या होता है? ऑप्टिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ लाइट और द फिनोमेनन ऑफ द लाइट, यानी लाइट से रिलेटेड जो फिनोमेना होती है, जो घटनाएं होती हैं, हमें उसे स्टडी करना है। बट उसे स्टडी करने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत है, या फिर दो कंसेप्ट जिसके ऊपर हम इन चीज़ों को स्टडी कर सकते हैं। उसमें से एक कंसेप्ट है समथिंग नोन एज रे ऑप्टिक्स एंड समथिंग नोन एज वेव ऑप्टिक्स। वेट, What is this ray optics and ray optics? Right? Wave optics क्या होता है, ray optics क्या होता है? Let me tell you one thing. Few scientists say that light जो है वो behave करता है एक particle की तरह, and कुछ scientists कहते हैं कि wave की तरह behave करता है। To be very precise, electromagnetic wave की तरह behave करता है, जिसे medium की जरूरत नहीं होती है। So we say कि अगर आप ray कंसिडर करना चाहते हो, रे ऑप्टिक्स पढ़ना चाहते हो, तो आपको पार्टिकल नेचर की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आपको दूसरे कंसेप्ट पढ़ने हैं तो आपको कभी कभी वे ऑप्टिक्स भी कंसिडर करना पड़ता है। राइट, नाउ लेट्स थिंक अबाउट लाइट। लाइट को हम लोग फिलहाल ऐसे डिफाइन करेंगे कि लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो कि मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट ने अपनाया हुआ है कि लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। नाउ ये जो लाइट है, ये अगर वेव है तो किसी स्पीड से भी ट्रैवल कर रहा होगा। वेव का मतलब ही होता है कि अ डिस्टर्बेंस विच ट्रैवल्स थ्रू अ मीडियम। राइट, सो इसमें हो क्या रहा है, लाइट जो है वो ट्रैवल करती है विद अ ट्रेमेंडस स्पीड। कितना स्पीड? 3×10^8 m/s, यानी एक सेकेंड में 3×10^8 m इज अ ह्यूज नंबर, ह्यूज नंबर। इतना डिस्टेंस ट्रैवल करना एक सेकेंड में, इट्स टू फास्ट। बट ये जो लाइट ट्रैवल कर रही है 3×10^8 m इन वन सेकेंड, दैट इज इन वैक्यूम, वो वैक्यूम में ट्रैवल कर रहा है। अगर आप मीडियम चेंज करेंगे तो ऑब्वियसली उसकी स्पीड थोड़ी चेंज होती जाएगी। वो कैसे होगी हम एक दूसरे टॉपिक में पढ़ेंगे। बट लेट्स से कि लाइट से रिलेटेड कुछ फिनोमेना है जो हमें पढ़ने हैं, कुछ बेसिक फिनोमेना जो हम डे टू डे लाइफ में देखते हो। सबसे पहले आप अगर देखेंगे कि सुबह सुबह आप उठे, ठीक है, मिरर के सामने आप जा रहे हैं थोड़े से तैयार होके, ठीक है, खिलखिलाते हुए। सो आप सबसे पहले मिरर में क्या देखेंगे? अपने आप को। राइट, आप अपना रिफ्लेक्शन देखेंगे, अपनी परछाई को देखेंगे। राइट, अपने प्रतिबिंब को देखेंगे। सो पहली चीज, या फिर जो पहला कंसेप्ट हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट रिफ्लेक्शन, ये हमने थोड़ा सा स्कूल सेक्शंस में भी पढ़ा हुआ है। लेट्स रिवाइंड दोस थिंग्स। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्शन बेसिकली मीन्स कि बाउंसिंग बैक होनी चाहिए। सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ। लेट्स से कि आपके पास एक बॉल है, आपने इस बॉल को हिट किया सर्फेस पे, व्हाट विल हैपन? इट विल बाउंस बैक। राइट, बट लेट्स से कि अगर आपने नॉर्मली नहीं छोड़ा, वर्टिकली नहीं छोड़ा, आप अगर किसी एक सर्टन एंगल पे थ्रो करें तो क्या होगा? इट विल अगेन बाउंस बैक। राइट, सिमिलरली वैसा ही कुछ होता है लाइट के केस में भी। लाइट यहाँ से आ रही है, दिस इज द इंसिडेंट रे। जो रे सरफेस के टूवर्ड्स आती है, दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, ये जो हम लोग ने डॉटेड लाइन बनाई हुई है, डॉटेड लाइन को हम बोलते हैं नॉर्मल, जो सर्फेस के साथ 90 डिग्रीज का एंगल बनाती है। ये हम स्कूल्स में पढ़ चुके हैं। सो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल होता है, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंड ये रे आई, फिर बाउंस बैक होके चली गई। ये जो बाउंसिंग बैक के बाद जो रे ट्रैवल कर रही है, इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल को हम कहते हैं आर, यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नाउ लेट्स रिवाइंड, हम लोग ने क्या पढ़ा था स्कूल टाइम्स में, दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों सेम होते हैं। इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के अपोजिट साइड्स में होते हैं, एंड इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये तीनों सेम प्लेन में होते हैं। राइट, नाउ लेट्स थिंक अबाउट सम डिफरेंट फिनोमेना, समथिंग नोन एज रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का क्या मतलब है? लेट्स से कि आप अगर किसी दिन बैठे हैं, बोर हो रहे हैं, और अचानक से आपको ऐसा कुछ ख्याल आया कि लेट्स गो टू द विंडो। अपनी खिड़की की तरफ गया और आपने देखा कि बाहर बहुत ही सुंदर सा नज़ारा है। आप अपने विंडो से देख रहे हैं घर के अंदर से। राइट, चाहे बारिश का सीजन हो, चाहे विंटर का सीजन हो, अगर आप अपने घर के अंदर से खिड़की में से झांक कर देख रहे हो और आपको बाहर की चीज़ें दिख रही है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि लाइट जो वहां से ट्रैवल होकर आ रही है वो ग्लास के थ्रू पास होगी, फिर आपकी आंखों तक पहुंचेगी। यानी कि जो लाइट है वो ट्रैवल कर रही है ग्लास के थ्रू, ग्लास में से पास होके आ रही है ना। सी, अगर आपको याद हो तो हम लोग ने रिफ्लेक्शन जब बोला था, रिफ्लेक्शन कहाँ से होता है? रिफ्लेक्शन होता है ओपेक सरफेस से। फॉर एग्जांपल लेट्स से वुड, या फिर योर ओन बॉडी। अगर आप देखें, लाइट हमारे शरीर पर जब इंसिडेंट होती है, हमारे बॉडी पर इंसिडेंट होती है, तो क्या वो एब्जॉर्ब हो जाती है? क्या वो ट्रांसमिट हो जाती है? नो,
वो क्या होती है, रिफ्लेक्ट। इसीलिए हम चीज़ों को देख सकते हैं, राइट। अगर मैं इस मार्कर को देख सकता हूँ, क्यों? बिकॉज लाइट आ रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है और मेरी आंखों तक पहुँच रही है। सो एनी ओपेक थिंग विल डू वॉट, रिफ्लेक्शन, विल शो यू रिफ्लेक्शन। बट अगर एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, राइट, अगर आप विंडो के थ्रू देख पा रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं बेसिकली, आप देख रहे हैं रिफ्रैक्शन। आप कंसेप्ट ऑफ रिफ्रैक्शन यूज कर रहे हैं। क्या होता है रिफ्रैक्शन में, एक मीडियम से लाइट ट्रैवल कर रही है, इंटरमीडिएट बाउंड्री पे इंसिडेंट होती है। ये एक बाउंड्री जो एक मीडियम को दूसरे मीडियम से सब्ट्रैक्ट कर देती हो। मीडियम का मतलब क्या है, मीडियम का मतलब कोई भी एक सब्सटेंस, राइट। यहाँ पे हम लोग ने रेरर मीडियम बोला है या फिर डेंसर। रेरर और डेंसर का मतलब क्या होता है, एक ऐसा मीडियम जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा हो उसे कहते हैं रेरर मीडियम, जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कम हो उसे कहते हैं क्या, डेंसर मीडियम। सिंपल। सो रेरर मीडियम मान लेते कि एयर, डेंसर मीडियम फिलहाल हम लोग कंसिडर कर रहे हैं ग्लास। सो एयर से जब लाइट ट्रैवल होके आई, इंसिडेंट हुई एयर और ग्लास के इंटरफेस पे, बाउंड्री पे, व्हाट हैपेंस, ये नॉर्मल के साथ एंगल कितना था इसका, आई, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। नाउ ये जो रे है, जैसे सीधे जाना चाहता था लेकिन जा नहीं सकता, बिकॉज हमने मीडियम चेंज कर दिया है। और जब मीडियम चेंज होता है तो लाइट की पाथ चेंज हो जाती है, लाइट अपना पाथ चेंज कर देता है। क्यों ऐसा, ये हम आगे के टॉपिक्स में देखेंगे, बट फिलहाल के लिए हमें याद रखना है, ये हमने पढ़ा भी हुआ है थोड़ा सा स्कूल सेक्शन में, हमें थोड़ा थोड़ा आइडिया है कि जब मीडियम चेंज होता है तो बेंड हो जाता है। अब बेंडिंग दो तरह से हो सकती है, या तो वो नॉर्मल के टूवर्ड्स आ सकता है या तो वो नॉर्मल से दूर जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि आप कौन से मीडियम में जा रहे हो। बट फिलहाल हम लोग ने क्या कंसिडर किया हुआ है कि हमारी रे ऑफ लाइट जो है वो ट्रैवल कर रही है रेरर टू डेंसर। नाउ रेरर से डेंसर जब जाती है तो लाइट बेंड होती है टूवर्ड्स दी नॉर्मल, बेंड हो गई, राइट। सो ये रे को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टेड रे, और इस एंगल को हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अच्छा, जिस तरह से हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन डिफाइन किए थे, तीन स्टेटमेंट हमने बोले थे थोड़ी देर पहले, उसी तरह से क्या हम रिफ्रैक्शन के लिए भी कर सकते हैं कुछ? एग्जैक्टली, लेट्स डू इट। अगर आप डायग्राम को ध्यान से देखें तो इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के ऑपोजिट साइड्स में है। इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे सेम प्लेन पर है, बट इस बार आई और आर की वैल्यू सेम नहीं है जिस तरह से रिफ्लेक्शन में थी। यहां पर आई और आर के बीच का एंगल का वैल्यू डिफरेंट होगा। लेट्स सी। सो एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था स्नेल, उन्होंने हमें एक आइडिया दिया किसके बारे में, आई और आर के बीच में एक रिलेशन है। क्या है वो रिलेशन, दैट साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस आई का साइन वैल्यू लेना है आपको, डिवाइडेड बाई द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये जो रेशियो है, ये जो रेशियो आपको दिख रहा है, ये रेशियो फॉर द गिवन पेयर ये होगा कॉन्स्टेंट। जैसे आपने एयर ग्लास बोला तो उसके लिए ये जो रेशियो उसका वैल्यू फिक्स होगा। अगर आपने बोला एयर वाटर तो उसके लिए वैल्यू फिक्स होगा, कुछ नंबर्स मिलेंगे आपको। सो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एक कॉन्स्टेंट टर्म देता है, जिस कॉन्स्टेंट टर्म को हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू वन, इसे रीड करने का तरीका है, हम इसे पढ़ते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वन। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। नाउ हमने ये जो दो एग्जाम्पल्स देखे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के, उसमें हम लोगों ने जो सरफेस कंसिडर किया था, सरफेस कैसा था, प्लेन सरफेस, राइट। बट नाउ लेट्स से कि अगर हमारे पास कर्व्ड सरफेस हो, कर्व्ड सरफेस, व्हाट विल हैपन। सरफेस दो टाइप के होते हैं, लेट्स मी टेल यू, एक होता है प्लेन, एक होता है कर्व्ड। बट कर्व में भी हम दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं, एक होता है कॉनकेव और एक क्या होता है, कॉन्वेक्स। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप एग्जैक्टली कर्व का नेचर बताना चाहें, उसका नाम देना चाहें, तो बेसिकली हमारे पास बहुत सारे कर्व्स हैं, बट उसमें से दो कॉमनली जो हम जानते हैं वो है स्फेरिकल एंड पैराबोलिक। दो टाइप के कर्व सरफेस पॉसिबल है, एक स्फेरिकल कर्व या फिर एक पैराबोलिक कर्व, बट उसमें दो कैटेगरी क्या है, बेसिकली कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। नाउ अगर हमारा सरफेस कॉनकेव होता तो रिफ्लेक्शन के वक्त क्या होता, या फिर समझो कॉन्वेक्स होता तो क्या होता, या फिर मान लीजिए कि जब हम रिफ्रैक्शन करा रहे हैं तो मेरा सरफेस अगर कॉनकेव या फिर कॉन्वेक्स होता तो क्या होता। वी विल स्टडी लेटर ऑन, ये हम आगे पढ़ेंगे आगे के टॉपिक्स में, बट फिलहाल के लिए हमें याद रखना है कि ये हम स्कूल सेक्शन में प्लेन वाला
कुछ कुछ पढ़ चुके हैं, हमें कुछ आइडिया है, बट इस टॉपिक में हम आगे कर्व्ड वाला भी पढ़ेंगे।